हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। तो जनरली जो है दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला फ्लो और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, दूसरा इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। फ्लो और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे चीज़ें बनाई जाती है जिसकी जो है डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, वह जो है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होती है। जबकि इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा अगर कस्टमर मांग करता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह से प्रोडक्शन का ऑर्डर आता है उसके हिसाब से किया जाता है, उसके बाद किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्लो प्रोडक्शन या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। तो यह जो है 2 मार्क्स में आया हुआ है फ्लो प्रोडक्शन की डिफिनेशन लिखने के लिए। तो फ्लो प्रोडक्शन जो है स्पेशल टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें आइडेंटिकल आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, मतलब एक जैसी चीज़ें जो है लगातार अगर बनानी है तो उसकी जो है महीनों लगातार सालों प्रोडक्शन होती रहती है एक ही जैसी चीज़। तो जैसे कुकर है, लैंप है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, एलसीडी है, और कई चीज़ें ऐसी है जो हमें जो है हमेशा आवश्यकता होती है, जिसकी अब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो है ऑर्डर कस्टमर का हो या ना हो उससे उससे जो है पहले भी कुछ स्टॉक में बनाकर रखा जाता है। तो मास प्रोडक्शन जो टाइप ऑफ फ्लो प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन जो है फ्लो प्रोडक्शन का टाइप है इन विच आइडेंटिकल पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं बाय द यूज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, रोबोट, इन सब के माध्यम से। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोल्ट्स, नट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कुकर, लैंप, एलसीडी एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ मास प्रोडक्शन। तो ये मास प्रोडक्शन के एग्जांपल हैं। इसके बाद है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम में ये जो प्रोडक्शन है यह कंटिन्यूअस नहीं होता, नो सिंगल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज यूज्ड, एक ही जैसा एक ऑपरेशन नहीं होता, एक ही जैसा जो है आर्टिकल नहीं बनाए जाते। एंड पीरियोडिक एडजस्टमेंट आर मेड टू सूट डिफरेंट जॉब्स और बैचेज, अलग अलग जैसे टाइप अलग अलग चीज़ें बनानी है कुछ समय बाद जो है तो उसके हिसाब से बार बार जो है एडजस्टमेंट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में किया जाता है, अलग किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला है ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, इसके माध्यम से जो है कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं क्योंकि बार बार इसमें जो है ऑपरेशन में चेंज किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। इसलिए द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन कंटिन्यूअस, जैसा कि अभी बताया था प्रोडक्शन जो है नॉन कंटिन्यूअस होता है, रोक रोक कर किया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर जब ऑर्डर देता है उसके बाद। फ्लेक्सिबल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज, इसमें भी फ्लेक्सिबल मशीन और इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन में भी क्लासीफाइड एज, इसे जो है दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन। तो जो जॉब प्रोडक्शन है इसमें प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है आफ्टर रिसीप ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर जब ऑर्डर देता है उसके बाद प्रोडक्शन करते हैं। जबकि बैच प्रोडक्शन है दूसरा जो है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस किया जाता है इन अ स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट तैयार किया जाता है बैच प्रोडक्शन में।
इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फ्लो प्रोडक्शन और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। तो फ्लो प्रोडक्शन और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहले है वेरी लार्ज क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड। फ्लो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जबकि इंटरमिटेंट में जो है स्मॉल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन इज कंटिन्यू बिफोर एंड आफ्टर जॉब ऑर्डर बाई कस्टमर। फ्लो प्रोडक्शन में जो है प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है जॉब ऑर्डर आने के बाद भी पहले भी, जबकि इसमें जो है प्रोडक्शन इज नॉन कंटिन्यू और प्रोडक्शन स्टार्ट्स आफ्टर जॉब ऑर्डर ऑफ कस्टमर। कस्टमर के ऑर्डर के बाद ही प्रोडक्शन शुरू करते हैं इंटरमिटेंट में। शेड्यूलिंग इज फिक्स्ड। जो शेड्यूल होता है वर्किंग शेड्यूल ऑपरेशन शेड्यूल वो फिक्स रहता है, जबकि इंटरमिटेंट प्रोडक्शन में जो है अलग अलग होता है। शेड्यूलिंग इज डन फॉर ईच जॉब। प्रत्येक जॉब के लिए शेड्यूलिंग किया जाता है। इट्स लेआउट इज प्रोडक्ट लेआउट। फ्लो या मास प्रोडक्शन का जो लेआउट होता है वो प्रोडक्ट लेआउट होता है, जबकि इंटरमिटेंट प्रोडक्शन का जो लेआउट होता है वो प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट होता है। यूनिट कॉस्ट जो है फ्लो प्रोडक्शन का कम होता है, लेस होता है, इसका यूनिट कॉस्ट जो है हाई होता है। एग्जांपल है ऑटो पार्ट्स, गियर, बल्ब्स एक्सेट्रा मास प्रोडक्शन में, जबकि इंटरमिटेंट में है शिप बिल्डिंग, बॉयलर मेकिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। थैंक्स।